हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई है। और इसमें आप देखिए कि जिस दिन इनकी डेथ हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी, उस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि इस तरह के जो भी हमारे देश में महापुरुष रहे हैं, देश की आज़ादी में जिनका भी योगदान रहा है, उनसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं। अब बाबा साहब को ले लीजिए, मैं कहता हूं कि देखिए वनडे एग्जाम में इनसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप समझ रहे हैं। और आप अगर स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपकी मुख्य परीक्षा में या निबंध में इनसे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहती है। अब आप देखिए कमजोर तबके पर निबंध लिखने के लिए आ जाता है या क्वेश्चंस लिखने के लिए आ जाता है, महिलाओं की स्थिति पर अगर क्वेश्चंस लिखने के लिए आ जाता है, हमारे देश की राजनीति पर अगर क्वेश्चंस लिखने के लिए आ जाता है, तो बाबा साहब ने जो शब्द कहे थे, जो वाक्य कहे थे, उनका प्रयोग आप लोग वहां कर सकते हैं। और इससे क्या रहेगा कि आपका आंसर या निबंध बहुत ही प्रभावकारी हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि बाबा साहब के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकेंगे। देखिए आप लोग पिक्चर भी देख रहे हैं, और एक बात तो आप लोग भी स्वीकारेंगे कि संविधान का पिता कहा जाता है, कानून का ज्ञाता कहा जाता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब नेहरू की मंत्रिमंडल का गठन होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो विचारधारा को लेकर इनमें कई मतभेद थे, लेकिन फिर भी कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया जाता है, क्योंकि कोई उस समय इनसे ज्यादा कानून का ज्ञाता नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय इनकी क्या महत्व रहा होगा। और इनकी अगर हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि जो महानिर्वाण है, ये शब्द आपका हिंदी और संस्कृत का शब्द है, और इसका अर्थ होता है मुक्ति पाना, या फिर अंतिम जब डेथ होती है किसी व्यक्ति की, तो उसे आप लोग क्या कह देते हैं, महानिर्वाण कह देते हैं, महानिर्वाण कह देते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि अंतिम समय में इनका झुकाव बुद्ध धर्म की तरफ हो गया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब महात्मा बौद्ध की डेथ होती है, मौत होती है, तो उस दिवस को क्या कहते थे, महानिर्वाण कहते थे, महानिर्वाण। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महात्मा बौद्ध महानिर्वाण इन्हें 483 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र में कुशी नगर में हुआ था इनका डेथ। अब आप लोग बीसी और समझ रहे हैं, बीसी में आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते हैं, ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के पूर्व की डेट बात की जा रही है, ठीक है। आगे इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो महान परिनिर्वाण दिवस के बारे में, तो परिनिर्वाण जैसे बौद्ध धर्म के लक्ष्यों के साथ साथ एक प्रमुख सिद्धांत भी माना गया है, और यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष पाना। आप लोग कहते हैं ना कि मोक्ष मिल गया, उसी की बात की जा रही है। बुद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में हुए भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। और एक तरह से आप देखिए जो बुद्ध धर्म से जुड़े रहते हैं, तो उनके लिए एक तरह से ये शब्द उपयोग किया जाता रहे। यह 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किए गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। और बौद्ध नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक स्थिति के कारण उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले कभी, तो याद रखिए महापरिनिर्वाण दिवस किसकी एक तरह से पुण्यतिथि को मनाया जाते हैं, तो भीमराव अंबेडकर साहब की। अगर हम लोग भीमराव अंबेडकर साहब के जन्म की बात करें, तो आपको बता दूं कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत, अब जिसे आप लोग मध्य प्रदेश कहते हैं ना, इसके महू में हुआ था। एक बार आप लोग मध्य प्रदेश को देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश आपको बीच में देखने को मिलेगा, और इसीलिए तो आप लोग हृदय प्रदेश कह देते हैं, नदियों का मायका कह देते हैं, टाइगर प्रदेश कह देते हैं, सोया प्रदेश कह देते हैं मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। इससे लगे अगर राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे राजस्थान भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और ऊपर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है। आपको ये बात और याद रखना चाहिए कि सन 2000 के पहले
जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना था, छत्तीसगढ़। और अब आपका मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है और राजस्थान आपके पहले नंबर पर पहुंच चुका है। इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं, भोपाल है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेगी 29, और राज्यसभा में आप देखेंगे 11 सीट देखने को मिलेगी। तो जब भी इस तरह के कोई राज्य का उल्लेख होता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रख लिया करिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कई परीक्षाओं में इससे सामान्य क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपको मैप याद होगा तो आसानी से उनके आंसर आप लोग दे सकेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। यानी कि आप देखिए कितने क्षेत्रों में उन्होंने प्रसिद्धि पाई हुई थी, ज्ञाता थे किसने क्षेत्रों के। वर्ष 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। याद रखिएगा उन्हें भारतीय संविधान का जनक यानी कि पिता कहा जाता है और वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या फिर विधि मंत्री बनाए गए थे। अगर और भी इनके बारे में कुछ जानकारी है, 1920 में उन्होंने एक पाक्षिक यानी कि 15 दिन की अवधि में छपने वाला समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत की थी, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी थी। और ये इस समाचार पत्र को याद रखिएगा, क्या होता है कई बार वनडे एग्जाम या फिर आप देखिए कि आपका स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, या कभी कभी आप देखिए आईएएस प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत किसने की थी। तो याद रखिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 की स्थापना की थी इन्होंने, और जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित थी। तो इस संस्था को याद रखना है आपको, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में स्थापित की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, ये भी क्वेश्चंस कई बार बन सकता है, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित थी ये संस्था। वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। 1925 में हिंदुओं के प्रतिगामी रिवाजों को चुनौती देने के लिए मार्च 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। वर्ष 1930 के कालाराम मंदिर में आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध किया था, क्योंकि दलितों को इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, और इससे भारत में दलित आंदोलन शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के पहले आप लोग जाइए, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति क्या थी, दलितों की स्थिति क्या थी, निचले तबके की स्थिति क्या थी, उन्हें एक काम विशेष पर ध्यान देने के लिए कहा जाता था, उनके साथ बड़ी आप देखिए भेदभाव किया जाता था। तो इसमें भेदभाव को हटाने में, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की दिशा में भीमराव अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये भी याद रखिए उन्होंने तीन गोलमेज सम्मेलनों में भाग भी लिया था। आप सभी जानते हैं कि देखिए एक कई बार पूछ लेता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, पूना समझौता कब हुआ था, तो याद रखिए 1932 में, और किन किन के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के विचार को त्याग दिया गया था। इसके खिलाफ गांधी जी थे। आप देखिए कि अंग्रेजों का काम था फूट डालो राज करो की नीति, और अंग्रेज इस दिशा में बहुत काम कर रहे थे, और इसलिए आप देखिए कि भीमराव अंबेडकर साहब को भी लगता था कि इससे जो निचले तबके के हैं, आप कह सकते हैं कि जो एक तरह से निचले ST ST हैं, इन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन आप देखिए महात्मा गांधी का मानना था कि इससे और खाई बढ़ती जाएगी। हालांकि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानसभा विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडलों में कुल सीटों का 18% कर दी गई थी। वर्ष 1936 में आप देखेंगे बॉम्बे विधानसभा में के विधायक चुने गए थे 1936 में। वर्ष 1947 को आप सभी को मालूम होगा कि 1947 में तो हमें आजादी ही मिल जाती है,
29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के प्रधानमंत्री के आमंत्रण को स्वीकार भी किया था। उन्होंने हिंदू कोड बिल, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार लाना था, पर मतभेदों के चलते वर्ष 1951 में मंत्रिमंडल से त्याग पत्र भी दे दिया था। और 1956 में आप देखेंगे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। फिर आप देखेंगे 1990 में उन्हें मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, तो इससे इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखिए, डेट को भी याद रखिएगा। चैत्य भूमि भीमराव अम्बेडकर का एक स्मारक है जो आप सभी जानते हैं कि मुंबई के दादर में आपको देखने को मिलेगा। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों को याद रखिए, समाचार पत्र मूक नायक 1920 में, इनहेलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, द अनटचेबल्स 1948, बुद्धा और कार्ल मार्क्स ये 1956, बुद्धा एंड हिज धम्म ये 1956 में, इन सभी को याद रख लीजिएगा। देखिए इनकी बात कर रहा था मैं कि आप लोग जब निबंध लिखेंगे या आंसर लिखेंगे तो इन वाक्यों को आप लोग इन शब्दों का उपयोग कर सकते हो। वहां देखिए आप लोग, ये आपके भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा कहा गया था, लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह मुख्य रूप से जुड़े रहने का एक तरीका है और संयुग्मित संचार अनुभव का यह अनिवार्य रूप से साथी पुरुषों के प्रति सम्मान और सिद्धा का दृष्टिकोण है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की हो। यानी कि इनका सीधा सा कहने का मतलब है कि आपको किसी समाज के बारे में, समुदाय के बारे में जानना है तो वहां की महिलाओं की स्थिति क्या है, उनकी स्थिति को देखकर आप लोग उसके बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो महिलाओं की स्थिति पर कभी भी आप लोग निबंध लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, या कहीं आप लोगों को इस तरह की बोलने की जरूरत पड़ती है तो इस वाक्य को आप लोग वहां कह सकते हैं, इस विचार को वहां आप रख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ऐसा किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर साहब ने। मनुष्य नश्वर है और उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है जैसे एक पौधे को पानी की जरूरत होती है, अन्यथा दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। तो ये कहानी है भीमराव अम्बेडकर के बारे में और उनके बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं, इन्हें आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है।